बड़ी खबर यहां पर, ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कब होगा और इससे पहले क्या यहां पर नियम है संतान संबंधी या सात बड़े जो नियम हैं वो भी आपको दिखा देंगे। इसके अलावा चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकते हैं इसके लिए भी यहां पर राशि तय कर दी गई है, 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक खर्च कर सकते हैं, लेकिन किस चुनाव में आप खर्च कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा इसके लिए क्या यहां पर नियम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पहला बड़ा नियम है शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ये पहला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जो जानकारी थी उसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कही जा रही थी, लेकिन आपकी जानकारी की बता दें कि शैक्षणिक योग्यता किसी भी डिपार्ट के लिए अगर आप देखें जो युवाओं के लिए है जो यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं और कई सालों तक मेहनत करने के बाद किसी छोटी सी नौकरी प्राप्त करते हैं उसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है। चपरासी से लेकर इंजीनियर तक हर एक विभाग में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी जाती है, लेकिन अगर आप देखें तो राजनीतिक में किसी भी यहाँ पर बड़े जो यहाँ पर नेतागण हैं या चुनाव हैं बड़े बड़े चुनाव जो होते हैं उसमें योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो कितनी योग्यता उनके लिए निर्धारित होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप राय रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि शैक्षणिक योग्यता हर एक यहाँ पर जो भी चुनाव हो उसके लिए निर्धारित होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कितनी शैक्षणिक योग्यता विधायक एमएलए या यहाँ पर सीएम पीएम के लिए होनी चाहिए तो ये आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा यहाँ पर नियम है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा जो बड़ा नियम है वो है संतान संबंधी, या दोस्तों इसको लेकर काफी कमेंट भी थे और इसके लिए जो पुख्ता जानकारी उसके अनुसार कि 2 से अधिक जीवित संतान ना होना चाहिए और आपकी अगर गोद ली गई संतान है वो भी ऐड की जाएगी, उसके अनुसार भी आपकी गिनती जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 27 नवंबर 1995 के बाद 2 संतान से अधिक आपकी संतान नहीं होना चाहिए। वार्ड मेंबर या जनपद सदस्य के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो 27 नवंबर 1995 के बाद अगर आपकी 2 संतान है या आपने गोद ली है वो भी आपकी संतान है 2 से अधिक नहीं होना चाहिए वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन 1995 के पहले अगर आपकी संतान ज्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चौथा बड़ा जो नियम है वो है प्रत्याशी का नाम ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदान सूची में होना चाहिए, मतलब जो भी यहाँ पर चुनावी प्रत्याशी हैं उनका नाम कम से कम उनकी पंचायत के जो यहाँ पर मतदान सूची है उसमें होना आवश्यक है, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपको मानदेय प्राप्त हो रहा सरकारी योजना के तहत तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बड़ा नियम है। और छठा नियम है कि क्रियाशील शौचालय होना आवश्यक है पंचायत के लिए, जो नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। और अगर आप बात करें जो वार्ड मेंबर हैं या सरपंच हैं या अन्य जो भी विभाग के लिए चुनावी मैदान में होंगे उनके लिए क्रियाशील शौचालय होना आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत यहाँ पर शौचालय बनाने के लिए सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो आप शौचालय कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा सातवां बड़ा नियम है कि आरक्षित सीट हेतु जाति प्रमाण पत्र आवश्यक, जिसमें ओबीसी एससी और एसटी के लिए ये जाति प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। इसके अलावा बिजली बिल या अन्य जो भी यहाँ पर बिल है वो आपके कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब महत्वपूर्ण जानकारी कि चुनावी प्रचार में कितनी सीमा तक आप खर्च कर सकते हैं, इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, 50,000 रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे और वर्ष 2014 में यह सीमा सिर्फ 20,000 रुपए तक की थी, लेकिन अब सरपंच 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं चुनावी प्रचार में, और जो जनपद सदस्य हैं वो यहां पर 75,000 और जिप्ट सदस्य 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आचार संहिता निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होगी, मतलब जिस क्षेत्र में चुनाव होंगे उसमें ही आचार संहिता लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, राज्य सरकार आचार संहिता के दौरान कोई भी नई योजना यहां पर लागू नहीं कर सकती है। तो ये कुछ बड़े यहां पर जो है फैसले हैं और बड़े यहां पर बदलाव देखने को मिले हैं। ईवीएम के कारण अब पहली बार नामांकन पत्र भरने से लेकर मतदान तक 7 दिन का समय आपको मिलेगा। तो ये 7 बड़े नियम और कुछ यहाँ पर नियम निकल कर सामने आ रहे हैं और बहुत जल्द इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 3 चरणों में चुनाव होंगे, प्रथम चरण यहाँ पर 15 जनवरी और द्वितीय चरण 24 जनवरी और तृतीय चरण 1 फरवरी को यहाँ पर पंचायती चुनाव का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या अन्य जो चुनाव है 2020 में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।